तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये पाकिस्तान का है ट्विटर का ट्रेंडिंग सेक्शन। आप देख सकते हैं पाकिस्तान का ट्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है सिंध बॉन्ड फ्रीडम। ये आप देख सकते हैं आज पाकिस्तान में क्या क्या ट्रेंड कर रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों, रिपब्लिक डे, इस्लामाबाद, बेगम नुसरत भुट्टो, मोहम्मद अली जिन्ना, ODIs, रूबी कौर और थैंक यू UAE। और चौथे नंबर पर जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है सिंध वांट फ्रीडम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंधी जो नेशनलिस्ट है, सिंध के जो मतलब लोग हैं, जो पाकिस्तान के सिंध के लोग हैं, वो चाहते हैं पाकिस्तान से फ्रीडम। और ये ट्वीट कोई कम नंबर पे नहीं है, ये लगभग 41 से 40 हज़ार ट्वीट है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये पाकिस्तान मतलब इसमें इंडिया का ट्वीट करता है तो वो इंडिया में ट्रेंड करेगा, लेकिन ये टोटली लोकल पाकिस्तानी है जो ये ट्रेंडिंग मतलब ये चला रहे हैं। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, पाकिस्तान में इस तरीके का ट्रेंड आज 23 मार्च मतलब 23 मार्च को पाकिस्तान अपना कुछ सेलिब्रेट करता है, मतलब कुछ उनका डे होता है जिस दिन पाकिस्तान के लिए कुछ हुआ था, ये हुआ था, मतलब मुझे भी नहीं पता उसके बारे में, मतलब पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव लाया गया था ऐसा कुछ इनका मानना है। हालांकि पाकिस्तान का तो मेन, अगर मतलब पाकिस्तान मतलब मुसलमानों के लिए अलग देश लाने की डिमांड तो 1905 में ये मुस्लिम लीग, मतलब सबसे पहले तो सर सैयद 1982 में सर सैयद जो अपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का फाउंडिंग मेंबर है, उसने एक मुसलमानों के लिए अलग देश की डिमांड की थी। और उसके बाद फिर आपको भी पता है कि दोस्तों बांग्लादेश में मुस्लिम लीग बनी, तो बांग्लादेश ही मेन पाकिस्तान होना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये लोग अपने आप को मेन पाकिस्तान ही बोलते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, मैं ये दिखा रहा हूँ आपको जो सिंध वांट्स फ्रीडम में, ये देख सकते हैं भगत सिंह की फोटो और ये सिंधी मार्च ब्लैक डे, इस तरीके के ट्रेंड चल रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की ये बड़ी बात है, पाकिस्तान जैसी कंट्री सिंध से बड़ा मुद्दा मेरे ख्याल से बलूचिस्तान है, मतलब आपको भी पता है, लेकिन बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान आर्मी अच्छा नहीं है, मतलब वहाँ के लोगों को ही नहीं दिक्कत हुआ है, वो बचे ही नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हो। आप बलूचिस्तान लगभग 48% हिस्सा है, मतलब आधा पाकिस्तान से ज़्यादा, वहाँ की आबादी लगभग 1 करोड़ है, आप समझ आबादी भी नहीं बचे हैं तो क्या करेंगे। सिंध में आप देख सकते हो सिंध की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा है, मतलब उसमें कराची की अभी सेंसस में काफ़ी वहाँ पे के लोग मतलब समझते हैं कि यहाँ का सेंसस गलत किया गया। हालांकि कराची में सिंधी लोग नहीं रहते, आपको बता दूँ कराची में ज़्यादातर मुहाजिर लोग रहते जो इंडिया से गए थे, उनको मुहाजिर बोला जाता है। तो ये ट्रेंड पाकिस्तान में आज चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया इसे कवर करती है या नहीं करती, मेरे ख्याल से तो ऐसी चीज़ें पाकिस्तानी मीडिया कभी कवर नहीं करेगी। हालांकि पाकिस्तान में कश्मीर वांट फ्रीडम और ये सब उल्टा सीधा चलता रहता है, लेकिन पहली बार देखा है कि सिंध वांट फ्रीडम, और वो भी किस दिन, मतलब आज की तारीख है 23 मार्च के दिन। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये वीडियो देखकर आप ये देख सकते हो सिंध का झंडा है, जो लोग मतलब ट्वीट कर रहे हैं उसमें वो ये झंडा भी पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये ट्रेंड वगैरह इतने कोई पावरफुल होते नहीं हैं। आपको भी पता है भारत में ट्विटर में लगभग 2 करोड़ लोग हैं, कई लोग मतलब आप जब देखा होगा आप कि पैड ट्रेंड रहते हैं, ऐसे चीज़ें चलने लगती हैं कि क्या बताऊँ, मतलब या तो BJP के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ चलती है। मतलब इसमें ऐसा है कि अगर आपका 20,000 का एक ग्रोफ है, मतलब आप 20,000 का एक स्ट्रॉन्ग ग्रोफ है, तो वो ट्वीट लगातार करें, मतलब एक मिनट में एक बंदा ट्वीट करता है फिर उसे रिट्वीट करता है, तो बड़ी आसानी से वो बहुत जल्दी मिलियंस में चले जाते हैं। मतलब कुछ ट्वीट किए, उनको फटाफट रिट्वीट किए, कॉपी पेस्ट किए, ऐसा कुछ करके तो उनको बड़े आराम ले जा सकते हो बड़े नंबर पर। इस तरीके की चीज़ें कोई बता देता हूँ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में आज के दिन ऐसा ट्रेंड करना एक मतलब क्या बोलूँ मेरे लिए।